हम पॉल सीज़र के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने जो उनके कला के बारे में पढ़ा, शैली के बारे में पढ़ा, तो हमने ये पाया कि उन्होंने प्रभाववाद को प्रारंभिक जीवन में अपनाया, किंतु उसकी कमियों की वजह से धीरे धीरे उससे विलग होते चले गए और उन्होंने अपने चित्रों में आकारों पर बल दिया और ज्यामितीय आकारों को के रूप में प्रकृति को देखने के लिए उन्होंने अपना एक कथन था कि हमें वस्तुओं को निसर्ग को वृत्तचित्र गोल तथा शंकु द्वारा प्रतिरूप देना चाहिए या बनाना चाहिए और यही ब्रह्म वाक्य जो है आधुनिक कला के दो महान चित्रकार ब्रॉक और पिकासो के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और इन्होंने भी अपने चित्रों में आकारों के ठोसपन पर कार्य किया, उसका जो त्रिआयामी प्रतिरूप है उसको चित्रतल पर उतारने के लिए जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके लिए उन्होंने परिवर्तन किया, एक तरह से पुनर्निर्माण किया आकारों का और आकारों के मूल सौंदर्य को उसी रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जिस रूप में वे वास्तविक दृश्य जगत में या वास्तविक दुनिया में या हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने प्रकाश में भी, उनका जो प्रकाश था वह सूर्य का प्रकाश नहीं था बल्कि उनकी कलात्मक प्रतिभा का ही एक रूप था। उन्होंने प्रकाश को अपने हिसाब से, अपनी संयोजन के हिसाब से वस्तुओं को प्रकाशित करने के उद्देश्य से उनके कला में प्रकाश को उन्होंने प्रतिरूपित किया, जहाँ की प्रभाववादी चित्रकार प्राकृतिक प्रकाश और प्राकृतिक वातावरण में काम करते थे, इन्होंने जो है प्राकृतिक प्रकाश के स्थान पर कलाकार निर्मित प्रकाश को दिखाया, स्वयं निर्मित कलाकार निर्मित और बड़े दुर्लभ प्रवृत्ति के थे। और बड़े उनका ये मानना था कि किसी भी वस्तु या आकार को चित्रभूमि पर उतारने के लिए उसको पूरा बहुत मेहनत से, जैसे अगर वस्तु चित्रण है जो हिलता नहीं है, उसी तरह से वह अपेक्षा करते थे कि जो व्यक्ति चित्र है उसमें जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है वह भी हिले नहीं, क्योंकि वह उस आकार को उसी रूप में अपने कैनवास पर उतारना चाहते थे जिस रूप में वह त्रिआयामी दिख रहा है। और उन्होंने अपनी पत्नी के भी कई व्यक्ति चित्र बनाए और वो उनको कहते थे कि सिट लाइक एन एप्पल, सेब की तरह बैठो, डस कैन एन एप्पल मूव, क्या जो एक सेब है वह हिलता है। और तो इस तरह की उनकी प्रवृत्ति थी और इसलिए उन्होंने काफ़ी संख्या में वस्तु चित्रण किया। और उनके उनका जो, अगर हम जीवन के बारे में बात करें तो उनका आर्थिक जीवन जो है बहुत सफल नहीं रहा, वे अपने पिता के आश्रय पर ही उन्होंने अपना जीवन निकाला और उनकी पत्नी जो है उनके दाम्पत्य जीवन में साथी तो थी और उन्होंने सारी अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल नहीं थे ये। और 1895 में उनकी एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था जिससे वो कुछ चित्र उनके बिकने लगे थे। और 1906 में एक दिन इनकी बारिश में भीगने की वजह से, बीमार पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार उनका जीवन जो है संघर्ष में ही बीता
और 1907 में उनके चित्रों की एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया, और जिसकी वजह से अन्य आधुनिक कलाकारों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने जीवन में खुद ने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं की थी और इसी वजह से वे एकांत प्रिय हो गए थे, परंतु कभी भी इन्होंने कला को छोड़ा नहीं, जीवन पर्यंत कला साधना में लगे रहे। और ये कहते थे कि मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ, और उसी को उन्होंने सार्थक किया। उन्होंने कला को परंपरा से मुक्त कर उसे आकार प्रकार तथा एक नया रूप, क्रिएटिव रचनात्मक रूप दिया, और यही उनका एक तरह से अनविंशन था या एक्सपेरिमेंट था या नया कुछ था। वैनर हॉफमैन ने उनके लिए कहा था कि सेजा ने इसे भली भांति समझा था कि तर्क शुद्ध परिवर्तनीय रचना सदैव कठोराकार से चित्र में सामर्थ्य पाकर, जिस सामर्थ्य को ईश्वरीय साक्षात्कार कहते हैं। तो सेजा ने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया कला को कि तर्क शुद्ध और अपरिवर्तनीय रचना जो है, जो ठोस आकार है, वही चित्र में एक सामर्थ्यवान रूप प्रदान करती है, चित्र को सामर्थ्य प्रदान करती है। और इस जैसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वैसा ही अनुभूति उसमें होती है। और उनके अगर हम चित्रों की एक बार पुनः बात करें तो उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उसमें है मॉन्ट सेंट विक्टर सीन, मॉन्ट सेंट विक्टर का प्रकृति दृश्य, और जो हाउस ऑफ ए हैंगमैन, इसके अलावा द कार्ड प्लेयर्स, द बाथर्स, इन्होंने अपनी पत्नी का भी व्यक्ति चित्र बनाया था 1894-95 के आसपास, जो कि वुमेन इन ग्रीन हैट मैडम सेजा इस नाम से प्रचलित है। और 1892-95 के आसपास इन्होंने द गार्ड प्लेयर्स बनाया, और लेस ग्रैंड्स बैगनाट्स ये एक और प्रमुख इनका चित्र है 1898 और 1905 के आसपास इन्होंने ये चित्र बनाया था। अपने पिता का भी व्यक्ति चित्र बनाया था। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी संख्या में स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण काफ़ी संख्या में किया था, क्योंकि ये आकारों को मुँह के ठोसपन पर कार्य कर रहे थे। तो स्टिल लाइफ विद द कर्टेन 1895 में बनाया, और द आर्टिस्ट मदर एंड सिस्टर 1868 में इन्होंने बनाया। इसके अलावा कई प्रकृति चित्र बनाए, मॉन्ट सेंट विक्टर का प्रकृति चित्र 1887 में बनाया, हर्लेक्विन एक जो बाजीगर या जोकर होता है या नट होता है, उसका 1888 में इन्होंने यह चित्र बनाया। स्टिल लाइफ में पिरामिड ऑफ स्कल्स 1901 में बनाया। मैडम सेजा इनका भी एक और व्यक्ति चित्र 1850 ये बाद के सालों में बनाया, 1888-90 के आसपास। और कार्ड प्लेयर्स, इसके अलावा द ब्लैक मार्बल क्लॉक जिसको काली घड़ी के नाम से भी हिंदी में जानते हैं, द हैंग्ड मैन्स हाउस ये भी काफ़ी प्रचलित चित्र है, फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान, अ मॉडर्न ओलंपिया, ब्लेंड इन द रोड थ्रू द फॉरेस्ट 1873 में बनाया। और इसके अलावा बाथर, मार्डिग्रास 1888 में मार्डिग्रास बनाया, काफ़ी सारे व्यक्ति चित्र बनाए, बॉय इन ए रेड
वेस्ट कोट जिसमें एक शामिल है, और द हाउस विद द क्रैक्ड वॉल्स ये भी एक प्रमुख चित्र है, और मैडम सेजा का एक और शुरुआत के दिनों में 1885-86 में व्यक्ति चित्र बनाया था, स्टिल लाइफ विद एन ओपन ड्रॉर, द बास्केट ऑफ एप्पल्स, स्टिल लाइफ ड्रेपरी